द्रौपदी मुर्मू लखपति दीदी सम्मेलन है उसे वो संबोधित करेंगी। और ये जो कार्यक्रम है ये बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं यानी कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी तमाम महिलाएं होती हैं, वो किस तरह घर घर जाकर महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने का काम करती हैं, ये उससे जुड़ा आयोजन है। और इसी तरह के कई आयोजन तेलंगाना की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी प्रधान जो राष्ट्रपति हैं वो उसमें संबोधन दे चुकी हैं। आइए सुन। लखपति दीदी सम्मेलन में उपस्थित राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्रा जी, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, श्री कैलाश चौधरी केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री, श्री छोटू सिंह भाटी विधायक जैसलमेर, श्री महंत प्रताप पुरी महाराज विधायक पोखरण, जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथिगण, अधिकारीगण, मेरी प्यारे बहनों और बेटियाँ, सभी को नमस्कार जुहार। पहले मैं सबको अनुरोध करना चाहती हूँ ये बेटियों के लिए बहनों के लिए जोर जोर ताली हो जाए, क्योंकि मुझे बताया गया है, मैं भी जानती हूँ, राजस्थान ऐसे जगह है जहाँ दूर दूर गांव रहता है। और आज मैं अभिभूत हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री ने मुझे मिलने के लिए आए थे। उस टाइम मेरा प्रोग्राम ऑलरेडी राजस्थान के लिए बन चुका था, तो उन्होंने बोले मैडम आपका प्रोग्राम हम लेना चाहते हैं और महिलाओं का प्रोग्राम, महिलाओं को हम इकट्ठा करने चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद महिलाओं का सहयोग, मैंने बहुत सहयोग मुझे मिला, इसीलिए उनको मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और कुछ ऐसे मैं अवार्ड करना चाहती हूँ, कुछ देना चाहती हूँ उनको। और आपका प्रोग्राम तो चाहिए, मैं आज देख के अभिभूत हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, इतने तादाद में महिलाएं एक साथ राजस्थान में आए हैं, इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। गौरवमय परंपराओं की भूमि राजस्थान में आकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। राजस्थान वीरता की परंपरा के साथ ही अपनी इंद्रधुनी संस्कृति, अध्यात्म, खान पान, वेशभूषा, लोक संगीत और नाटक, स्थानीय चित्रकला आदि के लिए भी प्रसिद्ध है। राजस्थानवासी पाधारो मारे देश की भावना से अतिथि सत्कार के लिए जाने जाते हैं। इस राज्य ने शांति, सद्भाव और भक्ति के अनेक आदर्श प्रस्तुत किए हैं, जिसमें गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिरती, मीराबाई, पन्नादाई जैसे महान उदाहरण है। इस धरती को मैं नमन करती हूँ। स्वयं सहायता समूह द्वारा किए जाने वाले कार्य समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्ग, खासकर महिलाओं को आश्रित होने की स्थिति में निकालकर, स्थिति से निकालकर स्वावलंबी बनाने में प्रभावी योगदान दे रहे हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। देशवासियों का प्रण है कि भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में आज़ादी की शताब्दी मनाए। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारे आत्मनिर्भर होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन ये तभी संभव है जब देश की प्रत्येक महिला सबला हो, आत्मनिर्भर हो और सशक्त हो। राजस्थान की महिलाओं ने हमेशा अपनी कर्मठता से न केवल अपने परिवारों में बल्कि यहाँ की आर्थिक प्रगति में भी अमूल्य योगदान दिया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने देश में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत
राजस्थान में 11 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि राजीविका, जिसका उद्देश्य राज्य की ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण है, के द्वारा लगभग 3 लाख महिलाओं के लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जा चुका है। इस संदर्भ में रूमा देवी का मैं उल्लेख करना चाहूंगी, जो एक ग्रामीण परिवार से ही आती है और राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। उनके लिए एक बड़ा ताली तो हो जाए। उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से अनेक महिलाओं की आगे बढ़ने और स्वावलंबी बनने में मदद की है और अपनी प्रतिभा के बल पर देश का नाम दुनिया में रोशन कर रही है। देवियों और स्वजनों, महिला सशक्तिकरण अपने आप में महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की वर्कफोर्स में समान भागीदारी सामाजिक और आर्थिक प्रगति में भी अहम योगदान देती है। कोई भी देश अपने 50% आबादी की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकती है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन एवं आकलन ये रेखांकित करते हैं कि अगर वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो तो भारत की जीडीपी में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में हार्ड स्टोरी माय स्टोरी कार्यक्रम में बात करते हुए सुप्रसिद्ध समाज सेविका सुधा मूर्ति जी ने बताया था कि कैसे सामाजिक विरोध के बावजूद उन्होंने इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाया। भारत का इतिहास ऐसे असंख्य उदाहरण से भरा हुआ है जहां महिला ने समाज के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इस स्टेज में आने से पहले मैं जो स्वयं सहायिका बहनों का द्वारा यहाँ जो स्टॉल है वहाँ में एक एक से पूछा, वो महीने में या साल में क्या क्या कैसे वो रोजगार करते हैं, मैं तो सुन के हैरान हूँ। कोई समूह ने बताया कि हम जो 3 साल में 100 करोड़ से ज़्यादा उनका टर्नओवर है। कोई समूह ने बताया कि पर हेड 50,000 तक वो इनकम करते हैं। कोई कोई ने बताया ने 15,000 20,000 30,000 तक महीने में हम इनकम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये केवल परिवार के लिए नहीं, ये देश के लिए सहयोग है। देश को आगे बढ़ाने के लिए ये सहयोग है। इसीलिए महिला अबोला नहीं है और सबोला है। देश को आगे बढ़ाने के लिए ये इनका योगदान बहुत जरूरी है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। महिला को आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके के सहयोग उन्होंने दे रहे हैं। चाहे वैदिक काल में गर्गी हो, मैत्री हो, या मध्यकालीन भारत में शक्ति काव्यधारा के प्रवाहित करने वाली महान महिला विभूतियों हो, अथवा आधुनिक युग में सावित्री बाई फूले और रानी गाइडुनल्लू हो, भारत की संस्कृति और समाज में महिला बराबर की भागीदारी रही है। आज देश की महिलाएं इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। मुझे खुशी है कि इस राज्य की गुलाबो सोपेरा जो कोलबेलिया डांस की प्रसिद्ध कलाकार है, उषा चौमार जो समाज सेविका है, और राइफल शूटर अवनी लेखरा जो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल भी ला चुकी है, उन सभी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं सबको अनुरोध करूँ उनके लिए आप थोड़ा ताली बजाइए। हम उनसे सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं आज इला भट्ट जी का भी जिक्र करना चाहूँगी, जिन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड
वुमेन एसोसिएशन जिसको सेवा कहा जाता है की स्थापना की। आज सेवा के 20 लाख से अधिक सदस्य है। इलाजी ने महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने और भेदभाव को मिटाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे बताया गया है कि गैर सरकारी संस्थान सृजन की मदद से राजस्थान के पाली जिले में कास्टर्ड एप्पल के खरीद प्रसंस्करण और विपणन के लिए घूमर महिला प्रोड्यूसर नामक समूह कार्यरत है। कोई गांव में इस समूह के कलेक्शन सेंटर्स भी है। ये प्रसन्नता की बात है कि अनेक महिलाओं को घूमर में रोजगार प्राप्त हो रहा है। इस उदाहरण से ये स्पष्ट होता है कि वैल्यू एडिशन हमेशा जटिल नहीं होता है तथा स्वर्ण टेक्निक के प्रयोग से भी पर्याप्त लाभ संभव हो सकता है। देवियों और स्वजनों, महिलाओं को अधिक आर्थिक स्वावलंबन और स्वावलंबी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो, इस दिशा में भारत सरकार ये संभव प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी और उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए रहे हैं। श्रम कानून में कई सुरक्षात्मक और सहायक प्रावधान शामिल किए गए हैं। सरकार ने ऐसी कई योजनाएं शुरू की है जो महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक साबित हुई है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की गई है। वर्ष 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ है जिसका उद्देश्य चाइल्ड सेक्स रेशियो में गिरावट से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। हमें सुनिश्चित करना है कि देश का प्रत्येक नागरिक आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो। इसके लिए आवश्यक है कि जेंडर गैप की खाई को जल्द से जल्द भरा जाए। सरकार ने न केवल महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कई कदम उठाए हैं बल्कि राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर पारित किया गया है जिसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। लेकिन अभी महिला सशक्तिकरण की यात्रा में बहुत आगे जाना है। आज भी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जेंडर के आधार पर प्राथमिकता जैसी समस्याएं बनी हुई है। महिलाओं को ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी राइट्स के लिए संघर्ष करना पड़ता है जिसकी वजह से उन्हें क्रेडिट या लोन मिलने में कठिनाई होती है। वैश्विक महामारी कोविड-19 जैसी आपदाओं का कुप्रभाव महिलाओं पर अधिक पड़ता है तथा महिला पुरुष असमानता को खाई और बढ़ जाती है। देवियों और स्वजनों, महिलाएं आर्थिक विकास को गति प्रदान करें तथा वुमेन लीड डेवलपमेंट के सोच को कार्य रूप दे, ये सबकी जिम्मेदारी है। जागरूकता, शिक्षा और कौशल विकास को आधार बनाकर हमें आगे बढ़ना होगा जिससे महिला और पुरुष दोनों ही आर्थिक प्रगति करते हुए देश, समाज और विश्व कल्याण में बराबर के भागीदारी बने। मुझे विश्वास है कि इस लखपति दीदी सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण और समावेशी आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं कामना करती हूँ कि सभी बहनें आर्थिक रूप से समृद्ध और सामाजिक रूप से सशक्त होते हुए राजस्थान और भारत की प्रगति में अपना योगदान देते रहेगी। इसी के साथ ही मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दे करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति। आपके पावन सानिध्य और उत्प्रेरक उद्भेदन के लिए बहुत
आप सुन रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जो कि राजस्थान के जैसलमेर में लखपति दीदी सम्मेलन में संबोधन दे रही थी। उनका मानना है कि जिस तरह से राजस्थान एक परंपराओं से गौरवमयी राज्य रहा है, उस लिहाज से वहाँ की महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत मेहनत की, और ख़ास तौर पे जो स्वयं सहायता समूह है यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उन्होंने इस पूरी यात्रा में एक अहम योगदान दिया, जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ जुझारू और ऊर्जावान।